देखेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने राशि का भी विभाजन किया था हर एक इसमें, शुरू में हम लोगों ने देखकर 12 राशि को पुरुष राशि और स्त्री राशि में बांटा था, बाद में जरस तिरस द्वि स्वभाव में उसको ये किया था, बाद में वो राशि के तत्व हम लोगों ने डिफाइन किए थे। तो आज पहली राशि जो है मेष, उसकी तरफ देखेंगे। तो मेष राशि हम लोग जब भी देखेंगे तो पहले सबसे पहले उसके तरफ देखेंगे कि उसका राशि स्वामी जो है वो मंगल, और ये जो बाकी चीज है वो हम लोग पहले देख चुके हैं। मतलब ये पुरुष राशि है तो पुरुष स्वभाव के जो भी गुण है, जो मतलब आक्रमकता, स्वावलंबन, अधिकार, ये सभी गुण ये राशि को दिए होंगे। बाद में ये चर तत्व की राशि है तो चर तत्व की राशि के जो भी गुण हम लोगों ने देखे हैं चर तत्व के, कि उनको चेंज चाहिए, हमेशा हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, तो ये गुण हम लोगों को देखने मिलेगा। बाद में अग्नि तत्व, धर्म त्रिकोण और क्षत्रिय वर्णन, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। अभी हम असली मेष राशि की तरफ देखेंगे। तो मेष राशि का जो ये है, तो 12 राशि हम लोगों ने देखा कि राशि 12 इसमें बन गई है, और ये 12 राशि जो बन गई है वो 27 नक्षत्र से बन गई है। तो हर एक नक्षत्र के चार चार चरण होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग उसको पाद बोलते हैं, चरण बोलते हैं। तो ये जो मेष राशि है, ये अश्विनी चार चरण, भरणी चार चरण और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण में मिला के टोटल 9 चरण मिला के, कुल मिला के 9 चरण मिला के मेष राशि तैयार हो जाती है। उसका जो उसका एक श्लोक दिया हुआ है, नॉर्मली हम लोग सभी चीज बाहर करने या ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं तो सब चीज बाहर नहीं कर पाते, लेकिन अगर श्लोक हम लोग ये करेंगे तो हम लोगों को मेष राशि कैसी होती है, मेष लग्न की व्यक्ति कैसी होती है वो मालूम होगा। तो वो है लोल नेत्र, मतलब इनके जो आंख है वो चंचल है, ये चंचल स्वभाव जो है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये चरण तत्व की राशि है, तो एट अ ग्लांस वो लोगों को सब कुछ रीड करना है। तो लोल नेत्र सदा रोगी, तो फिर सदा रोगी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इनको बीमारी रहती है। अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जो मेष राशि है ये चर तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की उसमें प्राबल्य है। तो हालांकि हमको मालूम है कि कोई भी आजार या बीमारी जो चालू होती है वो पेट से चालू होती है, और बचपन में हम लोगों ने सीखा है कि खाना आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए, लेकिन हालांकि ये चर राशि है नहीं तो इनके पास उतना टाइम ये दे नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से वो बहुत स्पीडीली खाते हैं। तो स्पीडीली खाने से क्या होता है, उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से कुछ ना कुछ बीमारी उनको होती है। बाद में धर्मार्थ कृत निश्चया, तो धर्म के लिए काम करने वाले और एक बार डिसाइड किया है कि मुझे करना है तो वही करने वाले ये लोग है। पृथु जंगा, तो इसका यह राशि का जो स्वामी है मंगल, ये ग्रह राज्य का सेनापति है, मतलब जो 7 ग्रह है उसका सेनापति है, और सेनापति मजबूत होना चाहिए। तो जंगा मतलब जिसको हम लोग मांडी बोलते हैं, और पृथु मतलब बड़ी, तो जिनकी मांडी बड़ी है वो कृतज्ञ। तो कृतज्ञ ये जो मंगल है ये तामस गुण का ग्रह है, तो ये लोग कभी भी ध्यान में नहीं रखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया है, वो ध्यान में नहीं रखते हुए ये लोग काम करेंगे, इसलिए कृतज्ञ। लेकिन निष्पाप है, मतलब उनको ऐसे नहीं है कि कोई भी विभाव मन में रख के या मत्सर मन में रख के ये लोग काम करेंगे, ये भी करेंगे, ऐसे नहीं है। निष्पाप करके उनका जो भी बिहेवियर है वो निष्पाप है। राज और पूजी कहा, तो एग्रेसिव है, कोई भी काम हाथ में लेंगे तो पूरा करेंगे, तो इसीलिए सब लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए कहा गया है कि राजे पूजिता। कामिनी हृदय आनंद, अब ये मंगल सेनापति है, पुरुष ग्रह है, तो नेचुरली अपोजिट सेक्स की तरफ उनका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, या उसमें वो लोग रममाण हो सकते हैं, तो इसीलिए कामिनी हृदय आनंद। दाता, तो बहुत ही ये लोग दातृत्व ये है, जो भी जेब में है वो दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। भी तो जलादपि, अभी ये अग्नि तत्व की राशि है, तो अग्नि तत्व अग्नि कभी भी बुझाया जाता है तो उसके ऊपर पानी डाल के उसको बुझाया जाता है, तो इनको किसका डर रहता है कि जलादपि मतलब पानी का डर रहता है। चंड कर्मा, चंड मतलब बड़ा, कोई भी बड़ा काम करने के लिए ये लोग एफिशिएंसी इनमें है। चंड कर्मा मृदुशांति, मतलब अंत में शुरू में वो लोग आक्रामक है, एग्रेसिव है, कोई भी काम फटाफट करेंगे, लेकिन अंत में शांत हो जाएंगे। वैसे भी ये उनका नेचर ऐसा रहेगा कि शुरू में कोई भी इंसिडेंट में शुरू में बहुत ही गर्म हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो रिएक्शन रहेगा धीरे धीरे अंत में एंड में वो शांत हो जाएंगे। और ऐसी ये मेष राशि है, तो अब ये मेष राशि काल पुरुष के कुंडली में लग्न भाव में आती है,
ऐसा रहेगा कि इसका जो साइन है मेष राशि का, तो ये जो यहाँ दिखाया हुआ है वो इंटरनेशनल साइन है मेष राशि का। और हम लोग दूसरा एक केस का ये हुआ है कि गोर या जिसको हम लोग मेंढा बोलते हैं मराठी में, वो मेंढा इसकी साइन है। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि मेंढे की जो उनका जो नेचर रहता है वो सामने आगे वाला जैसे जाएगा उसके पीछे पीछे जाने वाला ही है, लेकिन ये वैसे नहीं है। ये ऐसे है कि गांव में आप अगर देखेंगे कि जो वो फाइट करने वाला प्लेयर रहता है वो गोट फाइट करते, तो जो फाइटिंग नेचर में फाइटिंग पोजिशन में जो ये है वो नेचर का ये आदमी है, तो वैसे इनका ये बताया गया हुआ है। तो इसका जो और इसका स्वामी जो है वो मंगल है, तो इसीलिए हमेशा कोई कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए ये लोग ध्यान रखेंगे। ये तमोगुणी है, इसीलिए कभी भी दूसरों को एप्रिशिएट करने की बजाय उसको आगे लाने के लिए लाने की हमेशा कोशिश करेंगे। और अभी ये अग्नि तत्व का है, तो अग्नि तत्व का हम लोगों ने पहले देखा है कि कार्य एक माचिस की छोटी काड़ी की जो ज्वाला है उससे लेके बड़ी फ्लेम उसकी हर एक की टेंडेंसी ऊपर जाने की रहती है। तो वैसे ही अगर इधर हम लोग देखेंगे कि ये मंगल जो है ये अग्नि तत्व का है और राशि भी अग्नि तत्व की, मतलब अग्नि तत्व का इनमें पूरा प्राबल्य है। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला कि ये लोग ऊपर जाने वाले हैं, तो वो आगे आगे बढ़ने वाले हैं, उनका उत्कर्ष होने वाला है, उन्नति होने वाली है। तो उसका दूसरा अर्थ क्या है कि बाकी लोगों को बाकी किसी को पीछे आगे पीछे दबा के ये लोग ऊपर जाएंगे, मतलब बाकी लोगों को नीचे रख के ये लोग ऊपर जाने की इनकी कोशिश रहेगी। बाद में इधर हम लोगों ने देखा कि तो ये इनका गुण है बस, तो इनका मेष राशि का जो अमल है वो सर के ऊपर अमल है, तो और जहाँ ज्ञान होता है, तो इनमें ये लोग होशियार है, ये बहुत ही होशियार है, क्योंकि हमारे जो वो एक्नोलॉजिंग प्रोसेस होती है वो सर दिमाग में रहती है, तो इनके पास दिमाग है, और इनके पास दिमाग भी है और इनके पास ताकत भी है, लेकिन इनका विश्वास दिमाग के बजाय ताकत के ऊपर ज्यादा है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे आगे कि इसका राशि स्वामी जो है मंगल, ये पुरुष ग्रह है, ये राशि भी पुरुष तत्व की राशि है, ये चरण तत्व का ये है, बाद में अग्नि तत्व है, मतलब जो भी क्षत्रिय वर्ण है, धर्म त्रिकोण है, मतलब इनका विश्वास दिमाग से बजाय अपने बाबू के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तो कभी भी सामने वाले को कन्विंस करने के लिए ये नहीं जाएंगे, ये बोलेंगे कि उसको कन्विंस क्या करना है, गोलाफा चढ़ा दो और ठीक हो जाएगा। तो मतलब बात करने से कन्विंस करना कोई होता नहीं है, उनको मालूम है, तो इनका तरीका उस तरीके से वो लोग अप्लाई करेंगे। अभी इनकी पर्सनैलिटी कैसे ये देखेंगे हम लोग, तो अग्नि तत्व जो है तो हम लोगों ने देखा कि इसका अग्नि तत्व का मेष राशि का सर के ऊपर अमल है, और हमारे ये जो बाल है, ये बाल जो है ये जल तत्व होते हैं, मतलब बाल का जो ये दिया है वो जल तत्व दिया है। तो अभी ऐसे समझो कि अग्नि के ऊपर जल रखा है तो क्या होगा, बाल कम होते जाएंगे। तो मेष राशि भी अग्नि तत्व की है, सिंह राशि भी अग्नि तत्व की है, धनु राशि भी अग्नि तत्व की है, तो ये तीनों का भी बाल धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लेकिन उनके बाल कम होने की जगह अलग अलग होती है। ये इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट स्पेसिफिक। तो मेष राशि का अगर आप लोग देखेंगे तो मेष राशि ये जो उनका साइन है नॉर्मली इनका जो ये रहेगा या ऐसे रहेगा, ऐसे समझो कि ये इनका चेहरा है, मतलब हनुवटी ये जो चीन बोलते हैं, ये चीन की यहाँ ऐसे छोटा हुआ हुआ और यहाँ ब्रॉड, ऐसे उनका ये रहेगा। तो और ये जो है ये उनका ऐसे समझो कि ये उनका सर है, तो मेष राशि के जो बाल कम हो जाएंगे धीरे धीरे, वो बाल यहाँ से जो फोरहेड के साइड से हम लोग बोलते हैं, ये साइड से उनके बाल कम होते जाएंगे। सिंह राशि का हम लोग अगर देखेंगे, सिंह राशि भी अग्नि तत्व की है, तो उनका अगर हम लोग देखेंगे तो सिंह राशि का जो बाल कम होने की जो जगह है वो इधर यहाँ से पीछे जाते हैं किसी के बाल। अभी हम लोग अगर लायन को कोई भी पिक्चर में देखते हैं तो देखते हैं कि जो उसके जो बाल है, तो या मराठी में हम लोग उसको आयाड़ बोलते हैं, तो वो पीछे ये की तरफ मुड़े हुए हैं। सिंह राशि को कभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनको बाल बनाते वो हम ऑब्जर्व कीजिए, वो बाल ऐसे ये करेंगे कि ऐसे पीछे पूरा फेंक रहे हैं बाल, वैसे पीछे तो यहाँ से उनका बाल पीछे जाएंगे। और धनु राशि गुरु की है, आकाश तत्व की गुरु की है, तो उनके बाल नॉर्मली यहाँ से कम होंगे, और हम लोग जब सिंह और धनु देखेंगे तो उस टाइम उसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देखेंगे। देखिए तो इनके पर्सनैलिटी कैसे रहेगी कि ये जो बाल सर के ऊपर का कम होते जाएंगे, लेकिन ये जो जिसको हम लोग आईब्रो बोलते हैं वो ठीक रहेगी,
ये हनुमटी की तरफ उनका ये, और ये अग्नि तत्व का है, तो मेष राशि का आदमी आपको आप कैसे समझ पाओगे, तो अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्रिय हम लोगों ने देखा है कि आग है, तो इनके आग जैसे पूरे इसमें नजर किसके ऊपर जाएंगे हमारे मेष राशि के आग के ऊपर, कि नॉर्मली हम लोग आपसे बोलते हैं कि हम लोग आग नहीं मिला सकते उनसे, तो इनके आग में पूरा अंगार है, तो उनसे आग हम लोग नहीं मिला पाएंगे, तो लाल रंग की आग होगी उनकी, लाल सर उसके लिए है, ऐसे उनकी आग रहेगी, बाद में हमेशा उनका जो नेचर रहेगा वो उनको धैर्य का ये है, शौर्य का है, और कभी भी दूसरे को डोमिनेट करने का उनका नेचर रहेगा। क्लास में अभी हम लोग बैठेंगे तो बैठे तो क्लास में भी हम लोग देखेंगे कि अगर मेष राशि का आदमी देरी से भी आ जाएगा तो वो पीछे नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, वो आगे आएगा और पहले बेंच वाले को बोलेगा जो बाजूवाले को, उसको उसको धक्का देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा। तो मंगल के इसमें मेष भी आती है और वृश्चिक भी आती है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है तो इसका ऊपर सर के ऊपर अमल है मेष राशि का, तो ये जन्म से लेके एंड तक मृत्यु तक ये सर हमारा कभी भी ढका नहीं रहता है, ओपन रहता है, तो इनका जो नेचर है वो ऑलवेज ओपन है, मतलब जो भी करेंगे वो ओपनली करेंगे, वो दुनिया से डरेंगे नहीं, अपने जो गोल है उसे ये करेंगे और खुद से प्रामाणिक रहेंगे, तो उनका जो तो ये हमेशा उनका जो नेचर है वो जो भी बिहेव करेंगे ओपनली बिहेव करेंगे, प्यार भी करेंगे तो ओपनली करेंगे, दुश्मनी भी करेंगे तो ओपनली दुश्मनी करेंगे, और उस दूसरी जो राशि है उसके में मंगल के आने वाली वो वृश्चिक राशि है, उसका अमल जो है हम लोगों ने देखा कि शरीर बाह्य जननेन्द्रिय के ऊपर अमल है उसका, और ये जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा ढकी हुई रहती है, तो वृश्चिक राशि का एक नेचर है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करेगा, और मेष राशि का नेचर है वो ओपन रहेंगे, जो भी उनके विचार है जो भी उनकी एक्शन है वो ओपनली रहेंगे, पीछे पीछे कुछ भी नहीं करेंगे। ये डिफरेंस आपको मंगल के जो दो राशि है मेष और वृश्चिक, इसमें आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा, बाद में आप लोग देखेंगे कि ये इसका जो राशि स्वामी है मंगल, ये तमोगुणी है, इसलिए उनको अपना जो एंगर है वो कंट्रोल नहीं होता है, तमोगुण का और ये कि मत्सर जिसको हम लोग एनवी बोलते हैं, तो एनवी करते रहते हैं कि ये मुझे ये दूसरे को मिला मुझे नहीं मिला, एक्चुअली मुझे मिलना चाहिए था, तो ये जो एनवी करने का नेचर है ये इसमें आपको ज्यादा दिखाई देगा। कोई भी झगड़ा करने के लिए ये लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि बात से मतलब कन्विंस करने के लिए ये लोग नहीं जाएंगे, उसके बजाय तो कन्विंस करने के बजाय वो मसल पावर यूज करने की कोशिश करेंगे। बाद में ये तमोगुणी राशि है, तो तमोगुण का और भी एक ये देखेंगे कि हम लोग ये लोग उनमें गर्व बहुत है, अहमपणा वो जिसको हम लोग बोलते हैं वो बहुत है, ये लोग अविचर तत्व की है, तो ये अविचारी भी है, कोई भी एक्शन करने के मतलब स्पीड है इनमें, तो एक्शन करने के लिए करने से पहले ये सोचेंगे नहीं, एक्शन हो जाने के बाद सोचेंगे, और यही डिफरेंस मेष और वृश्चिक में है। वृश्चिक राशि वाला आदमी जो है वो पहले सोचेगा और जरूरत होगी तो एक्शन करेगा, मेष राशि वाला आदमी पहले एक्शन करेगा और बाद में उसके पास सोचने के लिए भी टाइम नहीं है नेचुरली, तो वो जो एक्शन करके छोड़ देगा, जो रिजल्ट है वो आई विल एक्सेप्ट इट करके वो छोड़ देगा। बाद में अगर हम लोग ये देखेंगे कि चरण तत्व का है, तो कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा चाहते रहते हैं कि ये वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सोशल लाइफ में हो, कुछ ना कुछ बदलाव के लिए ये लोग ये रहते हैं, और पर्सनैलिटी हम लोग देखेंगे तो इनका जो अदर मुंह के ऊपर उसका अमल है, तो चेहरे पर ये इनका चेहरा बड़ा रहेगा या फिर फोरहेड है वो बड़ा रहेगा, उनका बाल जो है वो कम रहेंगे, तो और ये जो आईब्रोज है जो वो ठीक रहेंगे, और जैसे भी करके मैंने कहा कि अभी इनका इसका हम लोगों ने देखा कि मेष राशि का अमल सर पे है, तो इनको जो बीमारी होगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी, मतलब अग्नि तत्व अग्नि इसमें हम लोगों ने देखा कि पूरा अग्नि है, मंगल भी अग्नि है और मतलब राशि स्वामी भी अग्नि तत्व का है और राज भी अग्नि तत्व की है, तो ये पित्त कारक है, मतलब एसिडिटी इनकी मेन बीमारी रहेगी, क्या बार बार एसिडिटी होना, और देखो कि कितना ये शास्त्र निसर्ग से जुड़ा हुआ है, कि हम लोगों ने कहा अभी कि एसिडिटी उनकी ये दवा, और आयुर्वेद में आप अगर देखेंगे तो एसिडिटी के ऊपर सबसे अच्छी दवा आंवला करके बोले हैं, ये जो आंवला वनस्पति है वो सबसे अच्छी दवा है, और आप अगर आवक जैसे कि मैंने कहा कि आवखड़ा चक्र इम्पोर्टेंट है, तो ये आंवला कहाँ से आया, तो ये आंवला जो है तो आप
देखेंगे कि भरणी नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो आंवला है, मतलब इनको बीमारी क्या होगी ये भी हमने बताया कि मंगल का मंगल और अग्नि तत्व की वजह से इनको बीमारी होगी, वो एसिडिटी की या पित्त प्रकोप से होने वाली इनकी बीमारी रहेगी, और उसके ऊपर जो दवा है वो दवा भी यहाँ बताई गई है कि भरणी नक्षत्र का जो ये है आराध्य वृक्ष आंवला वो उसके ऊपर सबसे बढ़िया काम करने वाला यह रहेगा। बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि इनके ये इनका नेचर कैसे रहेगा कि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही एग्रेसिव है, हर एक इसमें एक्शन में ही ये लोग इन्वॉल्व रहेंगे कि कोई भी चीज में एक्शन ये अभी आप जैसे कि और बीमारी की तरफ देखते हुए जैसे मैंने कहा कि एसिडिटी दूसरे कि सर के ऊपर अमल है, तो ब्रेन के जितने भी बीमारी है या सर की बीमारी जितने भी है या इसका ज्ञानेंद्रिय हम लोगों ने देखा कि आँख उसका ज्ञानेंद्रिय है, तो आपकी जितने भी बीमारी है तो ये सभी मेष राशि में आती है। बाद में अगर इनका हम लोग प्रोफेशन देखेंगे, नहीं प्रोफेशन देखने से पहले और एक बात देखते हैं हम लोग कि ये कितना एप्लीकेबल है कि मेष राशि का अमल काल पुरुष के कुंडली में सर पे के ऊपर मेष राशि का अमल ये है ऐसे हम लोगों ने देखा, और सर हमारे सर का ये क्या उसका पर्पज क्या है, तो कोई भी चीज का ज्ञान होना ये हमारे दिमाग का कर्तव्य है, तो वो ज्ञान होने के लिए मतलब मैं कोई चीज देख रहा हूँ तो मैं मेरे आँख देख रही है लेकिन एनालाइज मैं क्या कर रहा हूँ मेरे ब्रेन में एनालाइज कर रहा हूँ, मतलब आँख से लेके ब्रेन तक जो नर्वस सिस्टम है वो इसमें आती है, मतलब वायु तत्व का काम इसमें आता है, और वो जो मैं देख रहा हूँ उसको एनालाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रजिस्टर करना है, ये काम होता है आगे, वो ये अच्छा है या बुरा है ये सोचने का काम होता है अग्नि तत्व का, मतलब यहाँ वायु और अग्नि का प्रभाव होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम लोग देखेंगे इधर कि अश्विनी भरणी और कृत्तिका ये तीन नक्षत्र इसमें आते हैं, और इसमें कृत्तिका का एक ही चरण आता है लेकिन भरणी के चार चरण है और अश्विनी के चार चरण है, मतलब चार चरण है अश्विनी के और भरणी के चार चरण और कृत्तिका का एक चरण, तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो वायु तत्व का है, तो वायु तत्व का कौन है संवहन मतलब कम्युनिकेशन, जो मैंने कहा कि मैं आँख से देख रहा हूँ लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो मेरा ब्रेन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो अगर ब्रेन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आँख से लेके ब्रेन तक कौन लेके जा रहा है ये वो काम कौन कर रहा है, तो वो वायु तत्व काम कर रहा है, तो वो काम जो है वो अश्विनी नक्षत्र का जो है वो काम कर रहा है, और उसका रजिस्टर करना एक्नोलेज करना उसका अच्छा बुरा समझना और उस बाद में उसके ऊपर एक्शन करना ये काम अग्नि तत्व का है, तो ये अग्नि तत्व का काम जो है ये भरणी नक्षत्र भी अग्नि तत्व का है और कृत्तिका नक्षत्र भी अग्नि तत्व का है, मतलब दिमाग में जो भी दिमाग का जो भी काम है वायु और अग्नि का है, और उसके लिए हमें ये अश्विनी और भरणी नक्षत्र बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अभी इनका प्रोफेशन की प्रोफेशन ये लोग क्या क्या प्रोफेशन कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि कहा कि उनका सर के ऊपर अमल है, मतलब जहां भी आपको दिमाग लगाना है वहां मेष राशि काम कर सकती है, तो ये लोग अच्छे इंजीनियर ये मंगल जो है वो यंत्र का कारक है शस्त्र का भी कारक है, तो ये लोग अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, कम्युनिकेशन अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड होंगे तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे, भरणी नक्षत्र से रिलेटेड होंगे तो अग्नि से संबंधित जो भी व्यवसाय है या टेम्परेचर के संबंधित जो भी प्रोफेशन है वो ये लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाद में ये जो है मैंने कहा कि ये जो मंगल जो है वो गृह राज्य का सेनापति है, तो मिलिट्री में ये लोग अच्छे काम कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में ये लोग अच्छे काम कर सकते हैं, और कोई भी एडवेंचरस ये हो कि तो एडवेंचरस जॉब हो तो वो भी ये लोग अच्छे काम वहाँ भी ये लोग अच्छे तरीके से काम करते कर सकते हैं। तो मतलब सभी अगर हम लोग देखेंगे तो जो पहले हम लोगों ने सीखा है कि मंगल है इसमें पुरुष राशि का स्वभाव की राशि है, चर तत्व की है, अग्नि तत्व, धर्म त्रिकोण, क्षत्रिय वर्ण, तो ये सभी जो गुण है ये मतलब हमें मेष राशि को अगर समझना है तो हमको पहले ये देखना है, और वो ये देखने के बाद हमको ये मेष राशि कहाँ से किस चीज से बनी हुई है वो देखना है, तो कोई भी चीज समझने के लिए ये अगर हम लोग देखेंगे तो इट विल बी इनफ हो ऐसे मुझे लग रहा है। तो इनका ये व्यवसाय हुआ और मेष राशि में ग्रह कौन से अच्छे फल देंगे और बुरे फल देंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो मेष राशि में जैसे कि हम लोगों ने कहा कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, और पहले हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने दो ग्रुप बनाए थे कि वो ग्रुप में एक ग्रुप में रवि मंगल चंद्र और गुरु था और दूसरे ग्रुप में बुध शुक्र और शनि था, तो ये अगर मंगल की राशि है तो
तो मंगल यहाँ शुभ फल देता ही है, लेकिन उसके जो मित्र ग्रह है चंद्र और गुरु, ये भी यहाँ शुभ फल देते हैं। रवि ये राशि में उच्ची का समझा जाता है और शनि नीची का समझा जाता है, तो उसकी रीजन क्या हो सकती है? तो ये मैंने मेरे इंटरव्यू में बताया है, लेकिन फिर एक बार बताता हूँ कि रवि का, रवि को हम लोग बोलते हैं कि वो आत्मा तारक है, और आत्मा का काम है कि कोई भी चीज का ज्ञान होना, कोई भी चीज का ज्ञान होना ये आत्मा का काम है। और ज्ञान होने की जगह जो है वो मेरा दिमाग है। तो आत्मा का रवि अगर आत्मा तारक है तो उसके लिए सबसे अच्छी अवेलेबिलिटी, और ध्यान कर लेना उसका काम है, तो आप सबसे अवेलेबिलिटी और सबसे अच्छी जगह उसको कहाँ होगी? तो सर पे होगी। तो रवि यह राशि में उच्ची का होता है। और शनि जो हम लोग चतुर्थ वर्ण का कारक बोलते हैं, ये शूद्र वर्ण का कारक है, तो मतलब हम जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका कारक है। तो वहाँ ये शनि जो है वो मेष राशि में नीचे का होता है, कि वो शनि चतुर्थ वर्ण का कारक है। घर में भी हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे घर में मेड हमें कुछ सजेशन दे रही है कि नहीं ऐसे करो, तो वो मेड को चतुर्थ वर्ण की है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वो जो बोलती है वो हम लोग फॉलो नहीं करते। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये काम डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है, ये मैं देखूंगी, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो उसकी वजह से वो शनि जो है चतुर्थ वर्ण का कारक वो यहाँ नीचे का होता है। शुक्र अगर ये राशि में होगा तो नॉर्मल नेचुरली ये राशि का अमल, मेष राशि का अमल दिमाग पे है, तो शुक्र अगर मेष राशि में होगा तो नेचुरली शुक्र से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, मतलब उसमें आर्ट है, उसमें सौंदर्य है, उसमें शरीर सुख है, ये जो भी चीज है शुक्र की, जो हम लोग आगे जाके देखेंगे, ये शुक्र के अंडर आने वाली जो भी चीज है वो इनके दिमाग में हमेशा वही चलते रहेगा। मतलब आर्टिस्ट, अगर आर्टिस्टिक व्यू की तरफ से देखेंगे तो यहाँ मेष राशि का शुक्र भी काम करेगा। बुध को हम लोग देखेंगे, उस बुध के पास व्यापार दिया हुआ है, तो बुध अगर मेष राशि में बुध होगा तो इनके दिमाग में क्या होगा? तो बुध वैश्य वर्ण का ग्रह है, तो इनके दिमाग में हर टाइम यही बात चलती रहेगी कि फिनेंशियली मैं इस खुद को अपग्रेड कैसे करूँ, ये इनके दिमाग में बातें चलती रहेगी। तो इसी तरीके से अगर इसको समअप करना है तो हम लोग देख सकते हैं कि मेष राशि में रवि, मंगल, चंद्र और गुरु ये बहुत ही बढ़िया फल देंगे, और बुध व्यापार की तरीके से अच्छा है, शुक्र कला की तरीके से अच्छा है, शनि यहाँ अच्छी फल नहीं देता है। तो ऐसे ये सात ग्रह अगर ये राशि में होंगे तो उनका फल ये रहेगा। अभी हम लोग और एक बात देखेंगे कि ये सब तो हमने ले किया, लेकिन ये असल में दिखाई देता है क्या? तो उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि मेष राशि की कोई पर्सनैलिटी, कुछ पर्सनैलिटी मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब वो लोग अपने दिमाग से मशहूर है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए पहला एक ये मैं बोलता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो मेष राशि के थे। तो सुभाष चंद्र हम लोग जानते हैं कि आजाद हिंद सेना की स्थापना ये की, इन्होंने की थी। मतलब कोई भी चीज की शुरुआत करना ये मेष राशि का काम है, जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बाद में सत्यजीत रे जो है फिल्म डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर जो डायरेक्टर है वो मशहूर, और ये डायरेक्टर किसके लिए मशहूर है? तो इनकी फिल्म जो है सब आर्ट फिल्म है, अच्छी तरीके से डायरेक्ट की हुई फिल्म है। तो सत्यजीत रे इसके वो मेष राशि के हैं। काल निर्णय कारक, जो हम लोग दीवार पे काल निर्णय लगाते हैं कि नहीं, मतलब आज क्या होने वाला है ये गाइड करने वाला या दिशा देने वाला जो काल निर्णय हम लोग बोलते हैं, ये काल निर्णय का जयंत सागौकर बीच लग्न के है। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आरएसएस से जुड़े हुए है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेष राशि के है। बाजीराव पेशवा जो पहले बाजीराव, इनका नाम मस्तानी से जुड़ा हुआ है। तो आज के जमाने में चलता है कि कोई भी कम्युनिटी से हम लोग संबंध रख सकते हैं, लेकिन बाजीराव के जमाने में कोई मुस्लिम यमन लड़की को अपने खुद के साथ रखना ये बहुत ही धैर्य की बात हुई थी, और अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके भी, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट तो वो गए ही थे, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट जाके भी उन्होंने मस्तानी को अपने साथ रखा था। तो ये बाजीराव पेशवा मेष राशि का है। संत ज्ञानेश्वर मेष राशि के है। तो ऐसे सब बड़े बड़े लोग है, गरवारे जो गरवारे इंडस्ट्री के जो फाउंडर ये है गरवारे, वो मेष राशि के, मतलब ऐसे सब जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी है, समाज को अच्छा क्या है बुरा क्या है ये बताया है। और अग्नि तत्व का और एक काम है, मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंटेशन। तो अभी ये जो भी सब हम लोगों ने देखे कि सत्यजीत रे, संत ज्ञानेश्वर,
बाजीराव पेशवा, ये सभी लोग, या गढ़वाले, या सुभाष चंद्र बोस, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग सभी ने उनके कार्य जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए थे। तो अग्नि का काम है वो अंधेरे से उजाले में लाना, तो ये सभी लोगों ने इनका जो काम है वो अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया था। बाद में इसकी देवता अगर हम लोग देखेंगे तो नेचुरली ये जो मैंने कहा कि ये सेनापति है और ये मेष राशि का अमल सर के ऊपर भी है, मतलब इनके पास पावर भी है और इनके पास दिमाग भी है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कौन सी देवता में ये दोनों भी है कि वो उसके पास पावर भी है और दिमाग भी है, तो श्री गणेश जी जो है वो मेष राशि के आराध्य दैवत है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो मेष अभी और एक बात हम लोगों को ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है कि आज हम लोग सिर्फ लग्न भाव में कौन सी राशि है उसका ही विवेचन करते हैं। ऐसे कभी हो सकता है, या आप सीखने के बाद ऐसे हो सकता है कि अरे मेष राशि का ये सब तो सर ने बताया, लेकिन घर में जाके मैंने देखा तो मेरे पड़ोसी का लड़का जो है वो मेष राशि का है लेकिन वो बहुत ही शाय है। तो ऐसे हमारे दिमाग में आ सकता है कि अरे तो मैंने क्लास में जो पढ़ा है वो सही है या जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो सही है। तो अगर हमको वो पर्सनैलिटी देखनी है तो सिर्फ लग्न भाव में आई हुई राशि देख के नहीं चलेगा, तो ये पूरी कुंडली जो है, पूरी जो पूरा जो चार्ट है, वो पूरा चार्ट देखे ही हम लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आज जैसे कि फल ज्योतिष में नक्षत्र आता है, ग्रह आता है, नक्षत्र भाव आता है, राशि आती है, तो ये सभी मिला के फल ज्योतिष होता है। सिर्फ नक्षत्र से या सिर्फ राशि से या सिर्फ भाव से तो ज्योतिष नहीं होता है। ये सभी अगर हम लोग ये सबका कंक्लूजन करना बहुत ही जरूरी है और अंत में वो कंक्लूजन करने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और जैसे कि हम लोगों ने आज राशि सीखना शुरू किया है तो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी या फल ज्योतिष इज नथिंग बट बहुत अच्छी तरीके का एचआर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग इसको बोलते हैं, कि सामने वाला व्यक्ति तो अगर हम लोग समझ पाएंगे तो ये तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है ये हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। कि अगर समझो कि एक समझो कि एक मिशन है या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेजरर रहता है और फॉलोअर भी रहते हैं, कार्यकर्ता भी रहता है। तो हम लोग किसको उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, किसको हम लोग किस बहुत अच्छी तरीके का सेक्रेटरी का काम कर सकता है, कौन अच्छी तरीके से खजींदार बन सकता है या ट्रेजरी अच्छी तरीके से संभाल सकता है, या कौन अच्छा कार्यकर्ता हो सकता है, अगर हम लोगों को अगर सामने वाली व्यक्ति समझ में आएगा, उसका चार्ट समझ में आएगा, तो हम लोग उसको वो काम दे सकते हैं। कि जैसे कि अग्नि तत्व हमेशा ऊपर जाने वाला है या खुद को शो करने वाला है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट अग्नि तत्व का रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेते जाएगा। और अगर सेक्रेटरी के लिए देखें तो सेक्रेटरी का काम है कि सबको साथ में लेना है, मतलब उसको प्रेसिडेंट को भी संभालना है, उसको जो खजांची है या ट्रेजरर है उसको सब साथ में लेना है, और जो वर्कर्स है वो कार्यकर्ता है उनको भी साथ में लेके काम करना है, मतलब सबको साथ में लेके उसको आगे जाना है। तो ये सबको सबके साथ रहने का काम जो है वो जल तत्व का है। तो जल तत्व के आदमी को अगर हम लोग सेक्रेटरी के जॉब देंगे तो वो अच्छी तरीके से निभाएंगे। जो ट्रेजरर का काम है तो उसको हर एक पैसे का हिसाब रखना है, और वो रखते हुए उसको ये भी देखना है कि इंस्टीट्यूशन आगे बढ़नी चाहिए। तो ये जो हिसाब रखने का जो काम है या कोई भी चीज बढ़ाने का काम है, वो देखने का जो काम है, वो पृथ्वी तत्व का है। तो अगर पृथ्वी तत्व के आदमी को हम लोग ट्रेजरी उसके हाथ में ट्रेजरी सौंप देंगे, उसको खजांची बना देंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब अच्छी तरीके से चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन फिनेंशियली अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। और जो फॉलोअर्स है या जो काम करने वाले लोग हैं, एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं, उनको एक मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करने का काम ये जो है ये वायु तत्व का या शनि प्रधान काम है। तो अगर वायु तत्व के लोगों को हम लोग अगर वो कार्यकर्ता रहेंगे तो ऐसे अगर हम लोग जॉब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसको हम लोग आज की भाषा में एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो उस तरीके से अगर हम लोग जॉब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई भी मिशन अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। और फल ज्योति ये बाकी कुछ भी नहीं है कि सामने वाला आदमी क्या है, वो क्या उसकी अच्छाई या क्या है और बुराई, क्योंकि कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई अच्छी चीज होती है, कोई उसमें कोई चीज में वो कमी कम रहता है, तो उसमें अच्छी चीज क्या है उसको मोटिवेट करके, और जो जो
उसमें जो कमियां है वो कमियां दूर करके वो अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग अच्छे एचआर भी बन सकते हैं और कोई भी इंस्टीट्यूट को अच्छी तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। थैंक यू।